फ्रेंड्स, स्वागत है अपने YouTube चैनल के अंदर। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक सेट रिपेयर के लिए आया हुआ है। सबसे पहले मैं सेट आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो, ये IN मतलब जो माइक्रोमैक्स का सेट है वो हमारे पास रिपेयर में आया हुआ है। ये एक टेक्नीशियन के थ्रू हमारे पास रिपेयर में आया, एक लोकल टेक्नीशियन का ये फ़ोन है मेरे पास रिपेयर में आया है। उनका कहना ये है कि जब इसके बैटरी को हम लगाते हैं तो फ़ोन जो वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है, सेट चालू नहीं हो पाता। ठीक है गाइस, देखो ये सेट इसी कंडीशन में आया और ये मैंने यहाँ पे सीधा इसको जो है इस तरीके से ही वो आपके सामने ही ओपन किया, क्योंकि गाइस ये बैटरी, उनका कहना है कि बैटरी लगाने से सेट हीट हो जा रहा है। इसका मतलब गाइस सिंपल सी चीज़ है कि फ़ोन के अंदर कहीं ना कहीं कोई चीज़ शॉर्ट है गाइस। ठीक है, उनका ये भी उन्होंने इसका केन वगैरह भी कट किया हुआ है। मैं एक बार पहले इसको थोड़ा सा ओपन या जूम करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, मैं एक बार यहां पे बैटरी लगाता हूं और बैटरी लगा के मैं एक बार देखता हूं कि कहीं पे कोई चीज हीट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मैंने बैटरी लगाया। गाइज देखो, ये जो यहाँ पे ये जो IC है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हीट हो रहा है। देखो गाइज, इसके अंदर यहाँ पे दो IC लगी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये एक है हमारा BQ IC और एक यहाँ पे है जिसको हम चार्जिंग IC भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी के काफ़ी सारे डिवाइस के अंदर दो IC लग रही है। ठीक है, जैसे इस तरीके की दो IC आपको देखने को मिलेगी, एक ये हमारी BQ IC है और एक हमारी चार्जिंग कंट्रोल IC है। इसके अंदर से भी VPH जो है वो आउट होके इसके अंदर आता है और इसके बाद जाके आगे हमारी लाइन सप्लाई होती है। ठीक है, तो अगर गाइस देखो, ये वाली IC हीट हो रही है काफ़ी ज़्यादा, जैसा कि मैंने इसको चेक करा तो ये हीट हो रहा है। तो एक बारी सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये फ़ोन शॉर्ट है कि नहीं। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, कहीं ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैंने सोचा यार आपके लिए वीडियो बना के दिया जाए। ठीक है, देखो अभी सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे पहले एक बार इसको शॉर्टिंग को देखते हैं कि फ़ोन के अंदर कोई चीज़ शॉर्ट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। जाहिर से बात है, फ़ोन हीट हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं शॉर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चेक कर लेते हैं गाइस, देखो तो ये ग्राउंड है हमारा। ठीक है, और जस्ट इसके बगल में प्लस पे अगर चेक कर लेते हैं, देखो ये रिवर्स वाइज में अगर हम चेक कर रहे हैं तो 490 है। अभी अगर एक बार फॉरवर्ड वाइज में अगर हम चेक कर लेते हैं तो देखो यहाँ पे 876 के समथिंग रीडिंग आ रही है, मतलब फ़ोन के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, इसको हाफ शॉर्ट यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो फ़ोन हमारा जो है वो शॉर्ट दिखा रहा है और इसको हम एक बार डीप मोड के ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ये हीट हो गया था ये IC काफ़ी ज़्यादा, तो आसपास में कुछ कैप वगैरह को हम चेक कर लेते हैं कोई शॉर्टिंग वगैरह है कि नहीं। ठीक है, देखो इधर जो है वो एक साइड बीप आ रही है। देखो गाइस, यहाँ पे एक कैप जो वो मुझे शॉर्ट देखने को मिल रहा है, देख सकते हो। साउंड यहाँ पे शायद सुन लो, अगर बैटरी इनकी डाउन हो गई है थोड़ी सी। देखो देखो, दोनों साइड से यहाँ पे भी बीप देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है, इस बैटरी जैसे मैं लगाता हूँ फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है। तो अभी क्या कर लेते हैं, एक बारी थोड़ा यहाँ पे रोजिन पेस्ट हम अप्लाई करते हैं और दिखाते हैं यहाँ पे ये कौन सी चीज़ें हमारी हीट हो रही है, क्योंकि मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि ये IC हीट हो रहा है। आप देखेंगे कैसे, तो आपको दिखाने के लिए यहाँ पे फटाक से हम रोजिन पेस्ट थोड़ा अप्लाई कर लेते हैं, वहाँ पे थोड़ा आपको ईजी हो जाता है दिखाना। तो इसी कंडीशन में आया, मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बनाया जाए। वैसे तो दिक्कत कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फ़ोन हीट हो रहा है तो इसका मतलब जाहिर सा बात है कि कुछ ना कुछ जो वो शॉर्टिंग है और फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग है। देखो यहाँ पे मैंने इस तरीके से जो है वो रोजिन पेस्ट को अप्लाई कर दिया है और आपके सामने सीधे इसकी हम बैटरी को लगाते हैं इस कंडीशन में। यहाँ पे ये हम इनकी बैटरी को लगाते हैं यहाँ से। देखो गाइस, देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे ये हीट हो गया, आप देख ही सकते हो यहाँ पे बिल्कुल साफ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये पूरी तरीके से यहाँ पे हीट हो चुका है। जैसे मैंने बैटरी लगाया ये हीट हो गया, यहाँ पे ये कॉइल भी हीट हो गई। देखो फिर से लगाता हूँ, देखो ये देखो पूरा का पूरा मेल्ट हो गया, काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो रहा है, काफ़ी हाई ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा जब वो जल्दी वो मेल्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये जो IC है वो हमारी शॉर्ट है और इसके आसपास के जो भी कैप है वो भी शॉर्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये IC शॉर्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ से भी VPH हमारी आउट होती है। ये हमारा मेन IC है BQ। ठीक है, और इसके अंदर जो गाइज है वो चार्जिंग सेक्शन भी है हमारा, ये यहाँ से VPH आउट होकर इस IC के अंदर आता है, उसके बाद जाके आगे लाइन हमारी सप्लाई होती है। तो ये IC को गाइज हम अभी पहले निकालेंगे बाहर, फोन तो हाफ शॉर्ट दिखा रहा है जैसा कि आपने देखा। ठीक है, तो इसको निकाल के एक बार जो हम पहले चेक करेंगे, तो मैं इसको पहले यहाँ से निकाल लेता हूँ बाहर, यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ और इस IC को बाहर निकाल के यहाँ पे जो इस पे नंबर IC की लगी हुई है उस टाइप की, तो खैर मेरे पास यहाँ पे IC नहीं है, एक बार मैं देखता हूँ। देखो गाइस यहाँ पे ये IC नहीं है मेरे पास, यहाँ पे आप देख सकते हो IC का नंबर यहाँ पे। ठीक है, देखो ये यहाँ पे 8Q है, मतलब ये BQ IC है, और बट ये जो है गाइस देखो ये IC हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो चलो पहले इसको बाहर निकालते हैं, उसके बाद पहले देखते हैं शॉर्टिंग हटी या नहीं हटी पहले। तो उसके लिए सबसे पहले फटाफट इस IC को बाहर निकालते हैं।
तो वो सिंपली गाइस देखो यहाँ पे मैंने इसकी जो आईसी है वो मैंने बाहर निकाल दिया है, और निकालने के बाद एक बार इसकी सॉर्टिंग को चेक करेंगे। बैटरी कनेक्टर पे जो 800 कुछ रीडिंग शो हो रहा था वो अभी यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसके लिए फिर से एक बार हम फ़ोन को डायवर्ट मोड के ऊपर सेट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है और यहाँ पे एक बार रीडिंग को फिर से चेक करेंगे हम कि यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे सॉर्टिंग हटा या नहीं हटा। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम सीधे फॉरवर्ड वाइज में ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस पॉइंट है, देखो गाइस यहाँ पे जो सॉर्टिंग है वो हट गई है, वहाँ पे पहले 800 कुछ रीडिंग आ रही थी और यहाँ पे देखो अभी सॉर्टिंग यहाँ से निकल गई है, सॉर्टिंग यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अभी बीप मोड के ऊपर अगर मैं यहाँ पे सेट करके यहाँ पे चेक करूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉइल्स जो है वो हमारे शॉर्ट दिखा रहे थे, तो वो कॉइल को भी अगर हम यहाँ पे चेक करें तो एक साइड बीप आ रही है देखो, और दूसरे साइड यहाँ पे देखो गाइस बीप नहीं आ रही है। अभी देख सकते हो यहाँ पे इधर भी बीप नहीं आ रही और इधर भी बीप नहीं आ रही है। ठीक है गाइस, तो देखो यहाँ पे जो आईसी इसके अंदर लगी हुई थी वो सेम आईसी तो मेरे पास है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये अलग आईसी है और ये चार्जिंग आईसी का ही काम करता है पूरा। ठीक है गाइस, तो ये आईसी तो फिलहाल मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या कर लेता हूँ इसके अंदर एक बीक्यू आईसी डाल देता हूँ, जैसे कि हमारे पास एक ये C2 का फ़ोन पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर की ये आईसी इसके अंदर डाल देते हैं। गाइस ये लगाने के बाद उम्मीद है कि सेट तो चालू हो जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि चार्जिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, क्योंकि गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चार्जिंग आईसी भी है और प्लस यहाँ से VPH भी आउट हमारा होता है। ठीक है, तो इसलिए ये शॉर्ट था और इसीलिए फ़ोन भी हमारा बंद था। तो चलो अभी क्या कर लेते हैं, फटाक से ये जो आईसी है वो आईसी इसके ऊपर लगाते हैं और देखते हैं कि फ़ोन हमारा चार्ज होता है नहीं या ऑन होता है या नहीं होता है। तो चलो फटाफट पहले ये भी आईसी इसके निकाल के इसके अंदर हम लगा के एक बार देख लेते हैं। तो सिंपली गाइस यहाँ पे देखो मैंने इसके ऊपर जो है वो यहाँ पे BQ आईसी डाल दिया, एक तो ये भी BQ है, एक तो ये भी BQ है। ठीक है, और एक बार देखते हैं कि जो सॉर्टिंग हमारे फ़ोन के अंदर शो हो रहा था वो अभी सॉर्टिंग है कि नहीं। तो यहाँ पे हम डायवर्ट मोड के ऊपर सेट कर लेते हैं और एक बार फिर से यहाँ पे हम एक बार इनकी सॉर्टिंग को देखते हैं नॉर्मली मोड में डायवर्ट मोड के ऊपर कि यहाँ पे सॉर्टिंग है कि नहीं। तो इस तरीके से सीधे फॉरवर्ड वाइज पे चेक कर लेते हैं। देखो गाइस तो यहाँ पे सॉर्टिंग नहीं है और उस टाइम 800 कुछ रीडिंग शो हो रही थी, अभी यहाँ पे देख सकते हो कितनी रीडिंग शो हो रही है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे ये जो सेट है वो चालू होता है या नहीं, या फिर ये हिट होता है या फिर नहीं होता है। अभी तो फिलहाल यहाँ पे सॉर्टिंग नहीं है, तो एक बार हम यहाँ पे देखते हैं इसको, यहाँ पे इस तरीके से लगा लेते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे ये हिट नहीं हो पा रहा है, फ़ोन जो बिल्कुल भी नहीं हिट हो रहा है। तो अभी एक बार ये इसको हम चार्जिंग पे लगा के देखते हैं कि चार्जिंग पे क्या ये फ़ोन चार्ज पकड़ता है या फिर ऑन होता है या फिर नहीं होता है। तो एक बार ही इस चीज़ को भी अभी यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे गाइस ये हमारा USB चार्जर है और इसी कंडीशन में ये टाइप सी का केबल सीधे मैं इसके अंदर लगा देता हूँ। देखो गाइस मैंने जैसे टाइप सी केबल लगाया तो 0.6 यहाँ पे लिया है और यहाँ पे देखते देखो गाइस यहाँ पे ये लोगो भी बन के आ चुका है, ये आप देख सकते हो लोगो बन के आया। और यहाँ पे देखो 3% बैटरी चार्जिंग शो हो रही है, बट यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो एम्पेयर है जो लोड है इस चार्जर के ऊपर वो बिल्कुल भी नहीं है, 0-0 हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं चार्जिंग की बात करूँ, सेट तो वैसे ये चालू हो गया बट देखो यहाँ पे 3% चार्जिंग दिखा रहा है और यहाँ पे देखो कोई भी लोड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब गाइज ये है कि इसके अंदर चार्जिंग की प्रॉब्लम आ गई है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आ गई है इसके ऊपर जो वो चार्ज नहीं हो रही होगी। देखो 3% है, इसके ऊपर लोड कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो इस पे गाइस ये आईसी जो है वो इसके ऊपर जो है वो दूसरी लगानी पड़ेगी, नहीं तो ये फेक चार्जिंग होगा फोन। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे सॉर्टिंग हट गई है, सेट भी हमारा यहाँ पे ऑन हो गया, ये 3 का 3% रहेगा। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं एक बार, देखो 3 का 3% रहेगा इसको वो। तो इसको एक बार हम अपने DC मशीन से ऑन करके देखते हैं कि ये सेट ये ऑन होता है या नहीं होता है। तो अभी तो सॉर्टिंग फिलहाल हट गई है, तो मैं एक बार ही पहले इसको DC मशीन के थ्रू एक बार ऑन करके देखता हूँ। ठीक है, इसका यहाँ से बूट केबल ये मुझे मिल चुका है और यहाँ से इसको लगाते हैं। इस तरीके से हम सिंपली इसको, ठीक है, लगा दिया मैंने, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है हमारा, कोई भी एम्पर कंज्यूम नहीं हो रहा DC मशीन पे। और यहाँ से हम करते हैं सेट को चालू। देखो फ्रेंड यहाँ पे सेट भी हमारा यहाँ पे जो है वो चालू हो गया है, आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे हमारा सेट जो है वो बिल्कुल चालू यहाँ पे हो गया है, पहले सेट चालू नहीं हो रहा था, बिल्कुल ही डेड कंडीशन में आया था, क्योंकि इसकी जो है वो गाइस पावर आईसी वो सॉर्टिंग थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने DC मशीन पे इसको ऑन करा, यहाँ पे ये फर्स्ट लोगो आके जो वो बंद होके फिर से यहाँ पे सेकंड लोगो आएगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट करते हैं क्योंकि इस तरीके से जो है ये अभी ऑफ हो गया था, देखते हैं क्या होता है।
और यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं। देखो गाइस, यहाँ पे जो सेट है वो चालू होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ गई है कि फ़ोन हमारा चार्ज नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया क्योंकि ये जो है वो चार्जिंग आईसी इसके ऊपर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इस पर डबल बीक्यू आईसी लग गई है। देखो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे वर्क भी कर रहा है, सेट भी हमारा यहाँ पे चालू हो गया। देखो सब कुछ यहाँ से हमारा काम कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पे गाइस। ठीक है, तो फ्रेंड उम्मीद है कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ये आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।